एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आजकल सोशल मीडिया में सुर्खियों में है। जहां देखो बस वहीं उनकी खबरें पढ़ने और सुनने को मिलती है, या फिर ये कहें देखते ही देखते पति पत्नी का विवाद नेशनल मुद्दा बन गया। अब चाय पर चौपाल में राजनीति नहीं बल्कि ज्योति और आलोक मौर्य की चर्चा हो रही है। कभी दोनों के बीच की चैट वायरल हो रही है तो कभी इन पर बना गाना सुर्खियां बटोर रहा है। अब तक आपने आलोक मौर्य का पक्ष सुना क्योंकि वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने खुलकर अपनी बातों को सामने रखा, लेकिन आज आपको सुनाते हैं ज्योति मौर्य को उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। ज्योति मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, जब वो LKG में थी तभी उनकी शादी हो गई थी। उसने मुझे बचपन से पाला पोसा है, हमेशा पढ़ाई में हेल्प की है, लेकिन हेल्प का मतलब मेंटल टॉर्चर नहीं है। मैं पता है, जब मैं LKG में थी ना तभी मेरी शादी हो गई थी। आलोक ने मुझे बचपन से पाला पोषा है। मजाक की चीज नहीं है, लेकिन अगर अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पढ़ाई में हेल्प की है या नहीं की है, ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ हैं तो एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे भाई। पर सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान उस पद पे चला गया तो तुम उसे हमेशा टॉन्ट करोगे, प्रताड़ित करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। जब ज्योति मौर्य से पूछा गया कि क्या आपको अपने पति के पद से कोई प्रॉब्लम है जैसा कि वो मीडिया में बता रहे हैं, तो ज्योति मौर्य ने साफ कहा उन्हें पद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ का मैटर है। कि वाकई में इस तरीके से वो एक सफाई कर्मी है, एक वो तो... पहले मैं क्लियर कर दूं, इशू सफाई कर्मी या मेरे SDM होने का नहीं है, इशू हस्बैंड वाइफ का है। बस मुझे उनके सफाई कर्मी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्योति मौर्य बोली, पति पत्नी के बीच कई बार मनमुटाव हो जाते हैं और ये दुनिया में कोई पहला डिवोर्स नहीं हो रहा है जिसे मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं ज्योति मौर्य का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया से मतलब नहीं है, लेकिन आलोक ने जैसे हमारे 12 साल के रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने तार तार कर दिया, उससे उन्हें दुख है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि सोशल मीडिया में जो आपके बारे में कहा जा रहा है, जो तमाम तरह की चीजें ज्योति मौर्य को लेकर के कही जा रही है, क्या ये सारी चीजों में सच्चाई है? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सोशल मीडिया को करने दीजिए, जो करना आलोक से पूछ लीजिए, वो बेहतर बताएंगे। मुझे जहाँ सफाई देनी है मुझसे जहाँ पूछा जाएगा जिस फोरम पे लीगल तरीके से, मैं वहाँ बोलूंगी। तो अब आप फाइनली तलाक चाह रही हैं और चाह रही हैं आलोक से अलग होना? अभी तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। नहीं, आप तो साथ नहीं रहना, आप साथ नहीं रहना चाहती। मैंने बोल दिया, मेरा मैट्रिमोनियल केस पेंडिंग है कोर्ट में, आलोक के स्टेटमेंट के पहले से है। आपको दुख नहीं हो रहा इतनी सारी चीजें आपके बारे में चल रही हैं? आप बताइए अपने अनुभव से। नहीं, मेरा अनुभव से क्या, अगर आपके बारे में किसी तरह की चीजें सोशल मीडिया में आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, तो आदमी को लगता है कि ये चीजें गलत है, तो उसको मीडिया से मतलब नहीं है। बट आलोक ने जिस तरह से हमारे 12 साल के रिश्ते को पब्लिकली तार तार किया है, देखिए कितना भी रिश्ता खराब हो जाता है, इंसान अलग होने के लिए लीगली मैं तो प्रोसेस कर रही थी, बट उन्होंने छोड़िए, कोई बात नहीं, बहुत पर्सनल है। पत्नी PCS अधिकारी और पति सफाई कर्मी, दोनों का विवाद अब नेशनल लेवल पर छाया हुआ है। कोई ज्योति मौर्य के पक्ष में है तो कोई पति को ठीक बता रहा है। अब देखना होगा इस मुद्दे का हल क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।